गोरखपुर जिला जेल के 9 बंदी एचआईवी संक्रमित 1200 कैदियों की जांच में खुलासा। सहारनपुर से 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, बड़ी घटना की साजिश की आशंका पर यूपी एटीएस ने दबोचा। दहेज का दबाव आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। यूपी जेल में बंद आजम खान पर कसा पुलिस का शिकंजा, 11 मामलों में चार्जशीट दायर। आज से देश भर के बैंक 4 दिन तक बंद। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार से मांगा जवाब। सुपौल में पति पत्नी और बच्चों समेत परिवार के 5 लोगों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। रामपुर, आजम खान साथ इकलौते नेता जिन पर इतने मुकदमे लगे हों, अखिलेश यादव। कानपुर रेप केस में 2 दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड, दरोगा के ही 2 बेटों पर है आरोप। कानपुर रेप केस में 2 दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड, दरोगा के ही 2 बेटों पर है आरोप। गाजियाबाद की फैक्ट्री में भीषण आग, 2 महिलाएं 1 बच्चा सहित 14 झुलसे, 5 गंभीर। असेंबली इलेक्शन 2021 अपडेट, सुवेंद्र अधिकारी थोड़ी देर में भरेंगे नामांकन, बीजेपी का मेगा शो। मेरठ की बेटी ने रचा इतिहास, युद्ध पोत INS विक्रमादित्य पर हुई तैनात, लेफ्टिनेंट CV भारद्वाज। मंदिर मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार सख्त, 14 मार्च तक सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के दिए निर्देश। महाशिवरात्रि पर यूपी पुलिस ने किया काशी में पाप, बुजुर्ग महिला और रुद्राक्ष की माला को ठोकर मारते हुए वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की घोषणा, पीएम मोदी और सीएम योगी सहित। कानपुर गैंगरेप, पीड़िता के पिता की मौत का मामला, दरोगा दिव्येंद्र यादव और 1 अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज।
यूपी में निषाद समाज को लुभाने की ओर प्रियंका गांधी के प्रयागराज दौरे के बाद बीजेपी और एसपी भी मैदान में उतरी। पीएम मोदी करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन। ममता पर हमले के बाद टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम टाला। अमेठी पंचायत चुनाव, अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, चुनाव में होनी थी सप्लाई। यूपी के पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, गिनाए कृषि कानून के फायदे। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 भाजपा की समीक्षा बैठक खत्म, मायावती बोली चुनाव में जान लड़ाते कार्यकर्ता। घायल हुई ममता बनर्जी को पैर गंदे और गले में चोट लगी, 2 दिन के लिए अस्पताल में ही रहेंगी। पाकिस्तान से 6 साल पहले भारत आई गीता को आखिरकार मिल गई उसकी असली मां। पीएम मोदी करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन।